इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, इनको महत्व देते हुए हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े और इम्पोर्ट कम होते हुए भी एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में प्रगति और विकास कैसे हो और समाज में विशेष रूप से जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान हैं, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े और व्यवस्था में ये सबके बराबर कैसे आ सके, इसको सोचकर नीतियां बनाई गई है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें नए एडिशनल राष्ट्रीय महामार्ग का घोषणा होगी, जो निर्माण होंगे। भारतमाला और सागरमाला दो प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का अवसर मिला और अब पर्वतमाला, ये जो नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें रोप वे, केबल कार, फनेकुलर रेलवे जो हमारे विभाग में है, जिसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश के 16 प्रोजेक्ट्स हमारे विचाराधीन है, इसी साल हम 8 प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और बड़े प्रमाण पर पहाड़ी क्षेत्र में है, इसके कारण ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी और ये ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन फ्री होगा और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो पावर होती है, कम रेट में इलेक्ट्रिक पावर पर यह जाएगा और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा, जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट तीन इम्पॉर्टेंट पिलर है। इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो परली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज होगा पैलेट का, किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहां के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे, तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है उसका दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है और ये मुझे विश्वास है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल, ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ।